तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एमडी क्लासेस को एंड क्लिक करिए बेल आइकॉन पे इम्पोर्टेंट एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एमडी क्लासेज में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपने जीके जीएस की 500 क्वेश्चन सीरीज के पार्ट फोर के बारे में। दोस्तों ये जो पार्ट है, पार्ट फोर है, इसमें स्टैटिक जीके के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रखे गए हैं। मुख्यतः इसमें क्वेश्चन रखे गए हैं मुख्यालय को लेकर के और नेशनल पार्क को लेकर के, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जिससे आपको इस वीडियो की पीडीएफ तथा अन्य स्टडी मटेरियल भी मिल जाया करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो भारत माता की जो पेंटिंग थी उसको अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने बनाया था। ऑप्शन बी सही ऑप्शन है, ये बंगाल के थे। इन्हें बंगाल की कला का अग्रदूत भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसका बनवाया हुआ है? तो चंडीगढ़ का रॉक गार्डन नेक चंद सैनी जी का बनवाया हुआ है, बी ऑप्शन सही होगा। ये 40 एकड़ में फैला हुआ है, सुखना झील इसके पास ही है। एक झील है सुखना झील, इसी के पास है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी कहाँ है? तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी है हैदराबाद में, ऑप्शन बी सही है। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड मैनेजमेंट, इसकी स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा की गई थी 1976 में। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान CFTRI कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है मैसूर में, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान, फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म है CFTRI का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम गुप्ता और मैं अनअकैडमी पर एक एजुकेटर भी हूँ। तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ से मुझे फॉलो करके मेरे सारे कोर्सेज को देख सकते हैं, जिसमें आपको कई सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज के बारे में जानने को मिलेगा। जैसे कि आपको वहाँ पे पॉलिटी के कोर्सेज मिल जाएंगे, मैथ के कोर्सेज मिल जाएंगे और भी कई सारे एग्जाम के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल हो या फिर सेंट्रल लेवल हो, हर एक एग्जाम के लिए आपको कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेंगे। तो आप अनअकैडमी मुझे फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद। शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान स्थित है ग्वालियर में, ऑप्शन सी सही ऑप्शन होगा। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। पहले इसे लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहा जाता था, लेकिन अब इसे लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में है जिनेवा, वहां पे स्थित है। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसके सदस्य के बारे में बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के कुल 194 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय जो है ये दिल्ली में स्थित है, देहरादून में स्थित है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय। इसके अंतर्गत भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत ये आता है, ये भारत सरकार की सबसे पुरानी शाखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन कहाँ स्थित है? तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन स्थित है हैदराबाद में, हैदराबाद के शमशाबाद जगह पर ये स्थित है।
विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। इसकी स्थापना 1995 को हुई थी। वर्तमान में इसके 164 सदस्य हैं और इसका कार्य मुख्यतः है विश्व व्यापार को उदार बनाना तथा उसकी निगरानी करना। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना जाने वाला या चुनी जाने वाली एकमात्र भारतीय कौन था या थी? तो एकमात्र भारतीय थी विजय लक्ष्मी पंडित। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है हेग, नीदरलैंड में है हेग, वहीं पे स्थित है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला भारत में कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला भारत में कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। अगला क्वेश्चन, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। इस सार्क का पूरा नाम होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। वर्तमान में इसके 8 सदस्य हैं। 8 सदस्य के नाम मैं बता देता हूँ, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। पहला सार्क शिखर सम्मेलन हुआ था 1885 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। इसके कुल 187 सदस्य हैं। इसकी स्थापना 1919 में हो गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 193 सदस्य हैं, जिसमें से 187 देश अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान स्थित है आपका नागपुर में। इसकी स्थापना सन 1958 में हो गई थी। लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान इसका पहले नाम था, लेकिन अब राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान है। ध्यान रखिएगा, इसका पुराना नाम है लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान। ये एग्जाम में काफी बार पूछे गए क्वेश्चन है। ये बार बार कई एग्जामों में, वेरियस एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, इसलिए ये सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार किए हैं, बनाए हैं, इसका वीडियो बनाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन भी सही होगा। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान होता है। साथ ही साथ अगर आपको डेली करंट अफेयर्स देखना है तो आप हमारे वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स भी मिल जाया करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार इस विषय के लिए दिया गया था, यानी कि इस भारत को पहला नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? तो पहला नोबेल पुरस्कार भारत को साहित्य के लिए दिया गया था सन 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को, उनकी कृति गीतांजलि के लिए। गीतांजलि एक कविताओं का एक संग्रह है जो कि काफी अच्छा है, उसी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स का मुख्यालय, इसका आंसर भी आपको कमेंट में करके बताना है कि देखते हैं कितने लोग सही इसका आंसर देते हैं। आज मैंने दो क्वेश्चन आपके लिए रखा था कि इसका आंसर आप देंगे कमेंट में। और ब्रिक्स के सदस्य देशों के बारे में आपको बता दूं तो ब्राजील, रूस, भारत, चाइना, साउथ अफ्रीका इसके सदस्य देश हैं। बाकी इसका मुख्यालय आपको बताना है कमेंट करके। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यासी परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। अन्य अंग जो हैं इनके सहायक अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन भी सही ऑप्शन होगा। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? अगला क्वेश्चन है, तो कान्हा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। 1974 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत रख लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचमणी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पंचमणी जीव संरक्षण क्षेत्र भी आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना जो है
जैव संरक्षित क्षेत्र के रूप में 1999 में की गई थी। यूनेस्को ने इसे 2009 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था। बायोस्फीयर रिजर्व घोषित यूनेस्को ने किया था इसे 2009 में। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। भारत में प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत में प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना नीलगिरी में हुई थी, नीलगिरी क्षेत्र में हुई थी 1986 में। क्षेत्रफल इसका 5520 किलोमीटर स्क्वायर था, इसका 5520 किलोमीटर स्क्वायर। इसके अंतर्गत मुकुरथी, बांदीपुर, नागरहोल, वायनाडा नेशनल पार्क आते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।